हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इस वे एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज़। सभी कर्मचारियों को में खुशी की लहर है। क्या खुशी की लहर है? देखेंगे एनपीएस कर्मचारी के लिए जो है पुरानी पेंशन बहाली पर सुप्रीम कोर्ट के केस जीतने के लिए खुशखबरी। अब यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से पुरानी पेंशन की जो है सभी को लाभ दिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है। तो दोस्तों, ये अपडेट रहा। इस अपडेट के सहारे आपको हम फुल डिटेल्स देने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज़। सभी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, मिलेगा पूरा पेंशन का पैसा। लेकिन लगातार हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज़ सभी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी और मिलेगा पूरा पेंशन का पैसा। ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज़। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस जो है नए महत्वपूर्ण आर्टिकल्स वीडियो में, और जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ओल्ड पेंशन योजना के तहत लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आप सभी के हित में खबर लाए हैं। यदि आप सभी को ओल्ड पेंशन की स्कीम के लाभ ले रहे हैं तो लेकर आप सभी के हित के लिए खबर हम आए हैं। यदि आप सभी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए यह आर्टिकल्स काफ़ी ही लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि हम जो है आपको ओल्ड पेंशन योजना के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पेंशन कब मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी फुल डिटेल्स आपको हम देने वाले हैं। जब भी भारत देश में केंद्रीय चुनाव का माहौल आता है तो देश के अंतर्गत जो है पेंशन योजना को लेकर कई प्रकार के आंदोलन किए जाते हैं। यदि आपको इस स्कीम के बारे में किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है तो हम आपको बता देंगे कि इस योजना के तहत मूल रूप से सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। और ओल्ड पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसके जो है अंतर्गत सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को रिटायर्ड होने के बाद भी वेतन दिया जाता था। ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज़ ओवरव्यूज़। यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल का नाम है ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज़ है। आर्टिकल्स के कैटेगराइज देखेंगे, लेटेस्ट अपडेट। योजना का नाम है ओल्ड पेंशन योजना। योजना के उद्देश्य है रिटायर कर्मचारियों के पेंशन की राशि प्रदान करना। लाभार्थी रिटायर कर्मचारी। ओल्ड पेंशन राशि है 20 लाख वर्ष 2024। और दोस्तों, लगातार बने रहिए। साल 2004 से पहले सरकार के द्वारा कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिया जाता था, लेकिन सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से इस स्कीम को बंद करने का निर्णय लिया, जिसके चलते सभी कर्मचारियों नाराज हो गए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 में केंद्रीय चुनाव हो रहा है, और इसी चुनाव को लेकर के ओल्ड पेंशन रूप शुरू करने के लिए कर्मचारियों के द्वारा कई प्रकार के आंदोलन किया जा रहा है, और जिससे कि सरकारी कर्मचारियों को फिर से रिटायरमेंट की राशि मिलना शुरू होता है। तो सरकार कर्मचारी को इन जो है स्कीम को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं, और जिसके लिए सरकार को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां किया जा सकता है। अब जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। हम आपको योजना से जुड़े कई प्रकार की जानकारियां दें, ध्यान रखने के वाले हैं। यदि आपको इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है तो आप सभी को आर्टिकल्स के लिए पढ़ना जारी रखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसी
स्कीम है जिसके अंतर्गत देश की सरकार के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद उन्हें रिटायरमेंट की राशि के रूप में 20,000 रुपये दिए जाते थे और रिटायरमेंट में। और इस योजना के तहत एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ पर बता दे कि पूरे देश के लोगों को सफल बनाने के लिए इस योजना को एक ऐसी योजना देश के लोगों को सरकारी नौकरी की तरह काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देना चाहेंगे कि सरकार की इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार के द्वारा सभी कर्मचारियों को पेंशन प्रदान की जाती है और इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत यह भी प्रावधान था कि यदि ड्यूटी काल के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो बाद में उनके परिवार को जो है सरकार के द्वारा पेंशन के रूप तौर पर एक निश्चित सहायता प्रदान की जाएगी। और पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत देश के कई सारे सरकारी कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। और बता दें कि लेकिन फिर भी किसी भी कारण सरकार द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया। योजना को 1 अप्रैल 2004 में बंद किया गया था और इस नेशनल पेंशन सरकारी स्कीम में बदल दिया गया है। अब इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ सेवा बात करें पेंशन प्रदान की जाती है और उसकी कटौती उनके जो है वेतन से नहीं की जाती है। और पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को अपने वेतन 50% के भी रूप में दिया जाता है। रिटायरमेंट कर्मचारियों को इस स्कीम के तहत 20 लाख रुपए नगद राशि प्रदान किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगले अपडेट का वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।